आइए हम आपको टनल T1 यानी टनल 33 के अंदर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कितना काम हुआ है और कितना बचा हुआ है। तो आइए हमारे साथ टनल T1 यानी टनल 33 के अंदर। जैसे ही टनल के अंदर आप आते हैं आपको पानी नजर आता है और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि टनल T1 के अंदर का हाल क्या है। टनल T1 यानी टनल 33 उसके अंदर हम जा रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसमें लाइनिंग का काम बड़े स्तर पर हो चुका है और उसी जगह पर हम जा रहे हैं जहां पर दिक्कत आ रही है और इस दिक्कत का कहीं ना कहीं सामना कर रहे हैं देश के इंजीनियर्स और एक रास्ता निकाल रहे हैं। और जिस तरीके का यह पूरा का पूरा टनल है वह टनल कहीं ना कहीं शुरू से ही कहीं ना कहीं दिक्कतें दे रहा था, एक बड़ी दिक्कत दे रहा था और आज हम आपको उसी जगह पर फिर ले आए हैं जहां पर हमने पहले दिखाया था। पहले जो दिखाया था उससे चीज़ें आगे जा चुकी हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में यानी यह कहा जा सकता है कि 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर इस टनल को पूरी तरीके से थ्रू कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से थ्रू कर दिया जाएगा। थ्रू तो हो चुकी थी लेकिन जो हिस्सा बचा हुआ है उसको भी हटा दिया जाएगा, यानी हेडिंग और बेंचिंग के जरिए जो काम किया जा रहा है बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। और यहाँ अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि T1 में या T33 में दिक्कत क्या है। T33 में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दिक्कत है यह टनल MBT से होकर जाती है और MBT एक ऐसी फॉर्मेशन है जहां पर हम कह सकते हैं कि हिमालय के अलग अलग क्षेत्र आपस में मिलते हैं और यहां जो रॉक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं ऐसा है जिसमें पानी आसानी से अंदर जाता है, क्रस्ट डोलोमाइट बोला जाता है, यानी ऐसी चट्टान जो कि डोलोमाइट है और बहुत भुरभुरी है तो इसके अंदर पानी आसानी से अंदर चला जाता है। और यही वजह है कि इस टनल में लगातार दिक्कतें आई हैं क्योंकि MBT से जो पानी आता है उसको कहीं ना कहीं रास्ता देना पड़ेगा और इस रास्ते को देने का काम इंजीनियर्स कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब इस टनल के अंदर परेशानी आई थी, अचानक फ्लो बढ़ा था तो कहीं ना कहीं काम पूरी तरीके से बंद हो गया था। उसके बाद दोबारा यह काम शुरू हुआ और जब यह दोबारा काम शुरू हुआ तो दुनिया भर के बड़े बड़े विशेषज्ञों से बात की गई कि आखिरकार कैसे इसको पार पाया जाए, तो पार पाने के रास्ते बताए गए और उसके बाद एक अलग तरीके से हम कह सकते हैं एक्सकेवेशन किया गया। जो एक्सकेवेशन किया गया वो जो मेथड है अगर हम उसकी बात करें तो अभी तक आपने NATM सुना होगा, NATM के अलावा अगर हम देखें तो और भी दूसरे मेथड हैं लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से खुदाई की गई है अगर हम उसकी बात करें तो आई मेथड बोला जाता है। टनल T1 यानी टनल 33 अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको वो टनल दिखा रहे हैं जो लंबे समय से सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। त्रिकूट पर्वत श्रृंखला के नीचे माता वैष्णो देवी के दरबार के तुरंत नीचे की यह जगह अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है और इस टनल की जो सबसे बड़ी खासियत है वो खासियत है कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट से होकर ये गुजरती है। तकरीबन 300 मीटर का हिस्सा मेन बाउंड्री थ्रस्ट के अंदर से होकर गुजरता है और यही वजह है कि यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से पानी का बहाव रहता है। इस टनल में कई बार ऐसा हुआ है कि अचानक पानी का बहाव बढ़ा है, लोगों को जान बचाना भारी पड़ गया है लेकिन अब इसका काम अंतिम चरण में है। अपने दर्शकों को यह दिखाने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ एक बड़ा खतरा मोल लेकर, क्योंकि अंदर जब आप आते हैं तो ये कहीं ना कहीं इस टनल के अंदर खतरा बरकरार है और यहाँ हम टनल के अंदर पहुँच रहे हैं। जैसे जैसे उस जगह पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर काम चल रहा है, अंतिम काम चल रहा है, तो दिल की धड़कन बढ़ती चली जा रही है। हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से इस टनल के अंदर लाइनिंग की गई है। लाइनिंग तो ज़रूर हुई है, साथ ही साथ सिग्नलिंग टेलीकॉम के काम को भी अंजाम देने की पूरी तैयारी कर ली गई है और यहाँ पर जगह जगह पर वो चीज़ें नज़र आ रही हैं।
लेकिन जो मुख्य जगह है, जहां पर सबसे बड़ी चुनौती है, उस जगह पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार इस टनल के अंदर क्या दिक्कत आ रही है। देखिए, वह जगह पास ही आ गई है, तो यहाँ अब हम उस जगह पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर लाइनिंग का काम चल रहा है, साथ ही साथ टनलिंग का काम चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं हेडिंग और बेंचिंग का काम किया जा रहा है। अब जैसे जैसे हम पास पहुँचते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको इस टनल के अंदर के दृश्य कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जगह अपने आप और जिस तरीके से पीछे हमने आपको दिखाया था कि टनल में जगह जगह सिग्नलिंग का भी काम चल रहा था, तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यह टनल कैसे तैयार की जा रही है। यहाँ टनल का जो हिस्सा इस समय लाइनिंग चल रही है, वही पर हम आपको देख रहे हैं। अब हम उसी जगह पर आ चुके हैं जहां पर जोरदार तरीके से काम किया जा रहा है, यानी वो इलाका जो सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। और यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइनिंग की जा रही है, तमाम कामगार यहां पर रात दिन काम करते हैं। और यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे, यानी ये जो लाइनिंग का इलाका है जहां पर पानी लगातार रिसता रहता है, ऊपर की चट्टानें कमजोर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ रात दिन काम किया जा रहा है और यह काम अपने आप में महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो हम आपको काम दिखा रहे हैं, यह अपने आप में अनूठा है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ सिंह के साथ।